हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फूड फटाफट में एक बार फिर से। दोस्तों, आज मैं निकला हूँ चंडीगढ़ और जीरकपुर हाईवे पे और यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है खाने को। वैसे मैंने रिसर्च की थी कि क्या नया मिलता है, बट ज़्यादा कुछ नया मिला नहीं मुझे। ऑनलाइन चेक किया था मैंने सारा कुछ, तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना चला जाए KFC। जी हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं KFC जो जीरकपुर हाईवे पे है, चंडीगढ़ जीरकपुर हाईवे अम्बाला हाईवे पे, वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं। वहाँ पे मैंने एक चीज़ ट्राई नहीं करी है KFC में कभी, वो आज ट्राई करते हैं, जो कि है चिज़्ज़ा, जो कि बनाया गया है पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा के कॉन्सेप्ट से। पिज़्ज़ा के कॉन्सेप्ट में ये बनाया गया कि नीचे का जो बेस होता है वो डो की जगह चिकन है पूरा का पूरा, और उसके ऊपर चीज़ और टॉपिंग्स की गई हैं ऊपर से। तो चलिए दोस्तों, ट्राई करते हैं चिज़्ज़ा और देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है। तो चलते हैं KFC। सो गाइस, फाइनली मैं KFC पहुंचा और वहां पे जब मैंने चीज़ा का ऑर्डर किया तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि उन्होंने कहा कि चीज़ा जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, यानी कि वो अब अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में फिर मेरे को कुछ और ऑर्डर करना पड़ा और मैंने ऑर्डर किया, और मैंने ऑर्डर किया है ये चिकन लॉन्गर, जो KFC का चिकन लॉन्गर है वो ऑर्डर किया है। हालांकि इसका नाम जो है वो लॉन्गर है, बट देखने में ये बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं है, ये बहुत ही छोटा सा एक बर्गर है। तो देखते हैं, आज इसको ही ट्राई करते हैं, क्योंकि चीज़ा तो हमें मिला नहीं, और फिर फ्यूचर में देखते हैं क्या हमें मिलता है कुछ खाने को। तो फ़िलहाल तो मैं यही खोलने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि ये कैसा है। सो गाइज, लॉन्गर जो है वो बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं है। एक मिनट, इसमें चलिए अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है ये फिलिंग है, एक ये चिकन स्ट्रिप है, मेरे ख्याल से चिकन का पीस है, और यहाँ पे कुछ सैलड्स हैं और सिंपल सॉस मेयोनीज है आई थिंक। तो चलिए इसको खाते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है, कैसा लग रहा है खाने में, क्योंकि KFC ही फेमस है अपने पूरे चिकन के लिए, और जो इनका चिकन होता है वो भी फुल मतलब चिकन ही होता है, उसमें कोई मिलावट मतलब जैसे जैसे मिक्स करके, जैसे हम टिक्की बनाते हैं किसी भी बर्गर को हम खाते हैं उसमें टिक्की होती है, बट KFC की ये खासियत है कि KFC में फुल चिकन ही डाला जाता है, क्रिस्प चिकन। तो आइए इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं ये कैसा है खाने में, क्योंकि देखने में तो ये ठीक ही लग रहा है, और खा के देखते हैं कैसा है। बहुत ही अच्छा है, टेस्टी है, क्रिस्पी है। जैसा कि मैंने कहा कि KFC फेमस है अपने चिकन के लिए, तो चिकन का पूरा पूरा फ्लेवर और पूरा टेस्ट आ रहा है, उसमें कोई दोहरा नहीं है। प्लस इसमें जो सॉस यूज हुई है वो भी बहुत टेस्टी है, हल्की तीखी है, मेरे ख्याल से मस्टर्ड सॉस है ये, मस्टर्ड ऑयल से या मस्टर्ड सीड से बनी हुई है, और बहुत ही अच्छी लग रही है, टेस्टी लग रही है। तो मैं तो एक और बाइट लेने वाला हूँ। इसका टेस्ट पूरा पूरा, इसमें बन का भी टेस्ट आ रहा है, प्लस जो चिकन है वो तो आ ही रहा है, क्योंकि देखिए आप चिकन आप देखेंगे इसमें चिकन के पूरे पूरे पीसेस इसमें डाले हुए हैं, दोस्तों जो मैं सोच के गया था
कि मैं चिज्जा लूंगा और चिज्जा का रिव्यू करूंगा, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाया। हो सकता है कि जीरकपुर वाले जो KFC है उसमें चिज्जा का डिस्कंटिन्यू किया गया है, और वहाँ पे क्योंकि ऑर्डर्स नहीं आते होंगे और ज़्यादा लोग होंगे नहीं खाने के लिए, तो इसलिए उन्होंने बंद कर दिया उसको। ट्राई करेंगे कि चंडीगढ़ में कहीं कोई KFC में चीज़ें मिल जाए, अवेलेबल हो, तो मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि उसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, पिज़्ज़ा के कॉन्सेप्ट पे बनाया हुआ है, तो उसको भी ट्राई करना ज़रूरी है और देखेंगे कि वो भी कैसा है। तो फिलहाल तो इसको फिनिश करते हैं हम। और ये हमारा लास्ट बाइट रह गया, इसको भी इनका जो सॉस है उसकी वजह से, सॉस की वजह से जो टेस्ट आ रहा है इसका वो बहुत ही अमेजिंग है। मस्टर्ड सॉस तो हल्का सा स्पाइसी है, तो स्पाइसी चीज़ें वैसे ही पसंद है, तो खाने में अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं और भी नई नई वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ, और उनकी मैं कोशिश करता हूँ कि कई वीडियोस जो होती हैं जिनका कई फूड्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन भी दिखा सकूँ आपको बना के, बट कई जगह ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि अलाउ नहीं करते वो शूट करने के लिए। अभी जो पहले की वीडियोस हैं मेरी जो इस चैनल पे आप देखेंगे, उनमें मैंने कई वीडियोस प्रिपरेशन की डाली हुई हैं, और कोशिश मेरी हमेशा रहती है कि मैं रेसिपीज़ डाल सकूँ ताकि आप भी सीख सकें कैसे बनती हैं, और रिव्यूज़ तो मैं कर ही रहा हूँ, और भी देखते हैं आगे क्या लेके आ सकते हैं, क्योंकि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि आगे मैं क्या लाऊंगा, बट हाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, और स्टे ट्यून्ड, आगे नेक्स्ट देखते हैं हम क्या ला सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।